मैं ओम प्रकाश मान की सब भाइयों राम राम है। कर लो मेरी तरफ कान है और धर लो जहान है और लक्ष्मी चंद पंडित जियो की रागिनियों वर्ष बता दूंगा ज्ञान है। पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म में 1903 में बताते हैं, वो गांव जाटी में, पहले ये रोहतक जिले में थी, अब सोनीपत में है, और मृत्यु 17 अक्टूबर 1947 में हुई। और इनकी बातें हैं पूरे हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली देहात, दिल्ली में कई जगह मैंने सुनी, ड्यूटी ज्वाइन की जब सुनी है, पहले मेरे को कुछ नहीं पता था इनके बारे में, तो अच्छी बातें लगी तो मैंने बड़ा इंटरेस्ट आया और उन वो मेरे मैंने याद करने की कोशिश की और मेरे को याद है इनके 24 किस्सों में से 15 किस्से जो मेन किस्से हैं ना वो मेरे को याद है, बढ़िया बढ़िया बातें जिनको बाप बेटी सुनो, बाप बेटा सुनो, छोटे बड़े सभी सुनो, एक भी अश्लील वर्ड आ जाएगा ने उसके लिए मैं जिम्मेवार होगा। हिंदुस्तान जब विभाजन नहीं हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, तो पंडित जी जो पाकिस्तान है वहां तक बुलाते थे इनको, बड़े बड़े राजा महाराजे जो स्टेटों के मालिक होते थे, रियासतों के, इंदौर के राजा महाराजा का बड़ा शौक था, पंडित जियों को बुलाते थे बार बार और कंपटीशन कराते थे। उस टाइम की गायिका सुरैया अपने ऊंचे लेवल पर थी, जैसे लता मंगेशकर हुई है, तो वहां उनको ही बुला, जाट मेर सिंह को भी, बड़े बड़े गाने वालों को, पंडित जी वहां फर्स्ट आए थे और राजा ने खुश होके वहां के इंदौर के राजा ने खुश होके पंडित जियों को तगमों से लाद दिया जो प्योर सोने चांदी के होते थे। इतनी प्रसिद्धि थी उस टाइम में, पंडित जियों को सबसे मेन आदमी माना जाता था। अब भाइयों के सामने पंडित जियों का गाया हुआ शेर तारा चंद का किस्सा प्रस्तुत करता हूँ। सबसे हिलमिल चालिए मतना चालिए ऐठ, दिल्ली शहर के बीच में वे ताराचंद सेठ, वे ताराचंद सेठ एक जिनके घर दयावती नारी थी, करता बनज व्यवहार सेठ की बढ़ती हुई सौकारी थी, पौली पौली सेठ की बैठक हवेली बड़ी भारी थी, वो पुनः पैसा लावे था, सदा व्रत गौशाला जारी थी। इन लाइनों का तात्पर्य यह है कि साहूकार होते होते वो धर्मपुन करता था और वो ही उसकी प्रसिद्धि का कारण था। हरेक जगह हर जगह ताराचंद ताराचंद उस टाइम में हरेक आदमी उनकी बड़ाई करता था।